उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फल स्वरूप उनकी तीन रानियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। इस कहानी के मुख्य पात्र इनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं। उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके सातवें अवतार थे। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृद्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। अग्निः पूर्वे ऋषिभिरेभ्यो नूतनैरुपस्थितेन वक्षति। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। अग्निनागये वष्णवस्फोटमेव दिवे दिवे यशसं हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार।